मैंने लॉ क्यों चुना, अगर हमारे स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है, कोई तो व्यक्ति है जिसके कारण वो नहीं जल रहा है, अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, पुलिस एक्शन नहीं ले रही, कोई तो दोषी है उस चीज का, किसी को तो एक्शन लेना था जो एक्शन नहीं ले पा रहा है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था स्कूली दिनों में, बिहार में पढ़ रहा था, तब मैंने देखा कि समाज में कई सारी समस्याएं होती हैं। घर के आसपास कुछ गार्ड्स थे सोसाइटी के, उन्होंने बोला कि भाई साहब ये 3 दिन से ऐसे ही पड़ा है। तो मुझे लगा 3 दिन से अगर उस जानवर, पता नहीं वो उसको बचाया जा सकता था कि नहीं। हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ सफलता टॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट युक्ता शर्मा। वेल टुडे वी हैव कुमार शानू विद अस। वेल, सफलता टॉक्स में अभी तक हम लोग काफी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी लेकर आते हैं आपके लिए, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे लॉयर मौजूद हैं जिन्होंने दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए भी काम किया है, अमेरिका से उन्होंने अपनी पढ़ाई की है, काफी कुछ है इनके बारे में जानने के लिए, इन्हीं की जुबानी खुद जानेंगे। कुमार शानू, वेलकम टू सफलता टॉक्स। धन्यवाद युक्ता। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, लॉ फील्ड आपने क्यों चुना, मतलब आपका ये खुद का विश था या आपकी, या फर्स्ट जनरेशन लॉयर है या आपकी फैमिली बैकग्राउंड ही रहा है? ढेर सारे सवाल हो गए, मैं हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगी। मैंने लॉ क्यों चुना और क्या मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी लॉयर नहीं थे, और मैंने लॉ चुना इसके पीछे बहुत छोटा सा कारण है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था स्कूली दिनों में, बिहार में पढ़ रहा था, तब मैंने देखा कि समाज में कई सारी समस्याएं होती हैं। लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कतें देखी, बिजली नहीं होती थी हमारे घर में, काफ़ी परेशानियां होती थी, हमारे घर क्या मोहल्ले में नहीं होती थी, और हर दिन कुछ ना कुछ बुरा सुनने को मिलता था। तो मुझे लगा इन परेशानियों का जड़ क्या है, मैंने काफ़ी सोचा, फिर मुझे लगा इन परेशानियों का जड़ है वो प्रशासन, शासन की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से ना चला पाना है। उसके बाद मुझे आभास हुआ कि इन परेशानियों को कैसे दूर किया जा सकता है। तब मैंने सोचा कि कुछ ऐसी पढ़ाई करूं, कुछ ऐसी शिक्षा अर्जित करूं जिससे इन परेशानियों का मैं हल कर सकूं। तो जब 10वीं 12वीं में पहुंचा तो लॉ के बारे में जानकारी मिली, वकील क्या होते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में समझ पाया। उसके बाद यह फैसला लिया कि मैं वकालत की पढ़ाई करूं और समाज में जो मौजूद परेशानियां हैं उनको मिनिमाइज करने की, यानी उनको घटाने की, उनको कम करने की कोशिश करूं। कोई एक व्यक्ति तो उन परेशानियों को पूर्णतः खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन उनको कम जरूर कर सकता है। इसी उद्देश्य के साथ मैंने कानून की पढ़ाई की शुरुआत कर दी काफ़ी कम उम्र में। मुझे उतनी समझ तो थी नहीं, लेकिन जज्बा था, घर में कोई अधिवक्ता नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत इच्छा थी कि मैं कानून की पढ़ाई करके अपने उद्देश्यों की ओर आगे बढ़ूं, और ईश्वर की दया और सभी घर परिवार के लोगों का प्यार है जिसकी वजह से जीवन में थोड़ा बहुत सार्थक कार्य कर पा रहा हूं। ओके, आपकी अगर एजुकेशनल जर्नी की बात की करें, आपने अमेरिका से अपनी पढ़ाई की है, तो वहां का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा था? काफी अद्भुत रहा, एक शब्द में, एक वाक्य में, या फिर इस इंटरव्यू में उसको मैं बता नहीं सकता, वर्णन करना थोड़ा कठिन है शब्दों में। मेरे लिए एक्सपीरियंस ओवरवेलमिंग, एक जो शब्द है आप कह सकते हैं ओवरवेलमिंग रहा। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं जीवन में इतने गुणी और इतने सक्षम लोगों के बीच मौजूद रहूंगा। दुनिया भर के अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले लोगों के बीच कक्षा में बैठूंगा। जिन प्रोफेसर्स के बारे में किताबों में पढ़ता था, टीवी पे देखता था, न्यूज में सुनता था, वो मुझे क्लास में पढ़ाएंगे, कभी कल्पना भी नहीं की थी मैंने इसकी। और पढ़ाई के दौरान मुझे यह एहसास हुआ कि मैं तो बहुत तुच्छ हूँ इनके सामने, सब लोगों के सामने। और सफलता के बाद भी कैसे जमीन से जुड़े रहना है, कैसे हम्बल रहना है, कैसे दयालु रहना है, कैसे सफलता को दिमाग तक नहीं जाने देना है, वो सीखा मैंने लोगों से। काफी सरल और सज्जन किस्म के लोगों से मिलना जुलना हुआ कानून की पढ़ाई के दौरान, और आज तक जो यादें हैं अपने विश्वविद्यालय की वह मुझे काफी कुछ सिखाती हैं और सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करती हैं।
ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ऊंचे मकाम पे भी रहने के बाद अगर इंसान डाउन टू अर्थ रहे, जमीन से जुड़ा रहे, अपना बैकग्राउंड उसे पता हो, तो बहुत एक अच्छी बात है। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, हर कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर्स कुछ अलग रहते हैं। हम भारतीय हैं, इंडिया से हैं, आपने अमेरिका जाके पढ़ाई की, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर्स कुछ अलग हैं, तो आपने क्या एक ऐसी चीज महसूस की आपको लगता है कि इंडिया में भी ये होना चाहिए? एक मूल अंतर जो है वह हमारे शासन प्रशासन में जो लोग हैं उनका सेंसिटिव कम होना है। जैसे किसी की पीड़ा, हमको अपनी पीड़ा नहीं लगती। अधिकांश जो समस्याएं यहाँ पर, वह समस्याएं इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हम दूसरे की पीड़ा में पीड़ित नहीं होते। वहीं जो अमेरिका में देखा मैंने, मैं अमेरिका को महान या भारत से अच्छा नहीं बता रहा, लेकिन आपने एक अंतर पूछा, उस अंतर के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर की जाए, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज जो हैं वो थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हैं हमारे लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज के मुकाबले, और ह्यूमन वैल्यूज की वहां कद्र ज्यादा है। भारत में ह्यूमन वैल्यूज की कद्र लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज के मामले में थोड़ी कम है अमेरिका के मुकाबले। हमें काफी कुछ अभी करना है और दिन प्रतिदिन हम बेहतर हो रहे हैं। हमें आशा है कि हम जो उच्च मापदंड है उनको हासिल कर सकते हैं कुछ सालों में। आपने दिल्ली कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए भी काफी काम किया है, आपका एक्सपीरियंस उसमें कैसा रहा, किस तरीके से आप उसको बयान करना चाहेंगे? जब मैंने कानून वगैरह की पढ़ाई अपनी औपचारिक खत्म कर ली तो दिल्ली बाल विकास आयोग जो है वहां पर बाल विकास के लिए कार्य होता है, जैसे कि बाकी चाइल्ड राइट्स कमीशन में होता है भारतवर्ष में। तो वहां पर मुझे कुछ मुद्दों पर सरकार को सलाह देने की अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे शिक्षा का अधिकार एक अधिनियम है, आपको जानकारी होगी, उसके अंतर्गत 12(1)(c) सेक्शन के तहत गरीबी सीमा रेखा से नीचे आने वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है प्राइवेट स्कूल्स में। तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिल्ली सरकार ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का मैं सदस्य था। उसी प्रकार एक और कमेटी बनी थी बाल विकास के लिए, उसका भी सदस्य था। तो इस कमेटी का कार्य था कि सरकार को रिकमेंडेशन दे, कमेटी अध्ययन करे कानून की, जजमेंट्स की, और जो वातावरण है मौजूदा उसके बाद सरकार को रिकमेंडेशन दे और सरकार उसका पालन करे, सरकार उन रिकमेंडेशन का इस्तेमाल करके बेहतर बाल विकास के लिए कार्य कर सके, बाल अधिकारों के लिए कार्य कर सके। तो आपको मालूम होगा दिल्ली आज की तारीख में भारत में सबसे अच्छे तरीके से शिक्षा का अधिकार कानून का इम्प्लीमेंटेशन कर पाता है, जो 12(1)(c) सेक्शन है जिसके अंतर्गत गरीबी सीमा रेखा के नीचे आने वाले परिवार से आने वाले बच्चों का दाखिला होता है, दिल्ली में सबसे बेहतर तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन है। और इस बात की बड़ी खुशी है कि मैंने छोटा सा ही सही लेकिन एक योगदान दिया दिल्ली बाल विकास आयोग के। बिल्कुल, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, आपने आपके इंटरव्यू में मैंने पढ़ा था कि पटना इंसिडेंट को लेकर आप काफी फेमस हुए हैं, बिहार बाढ़ जो आई थी उसमें आपने काफी अपना योगदान किया है, तो वो क्या इंसिडेंट था जी? अगर आप शायद आपने कोई खबर पढ़ी है, मैं पटना में फिलहाल मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। जब मैं अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था तब उसी समय की बात है, बिहार में ढेर सारे बच्चों की मौतें हुई थी चमकी बुखार की वजह से। तो मुझे लगा था कि भाई इतनी मौतें हो रही हैं जैसे कि कीड़े मकोड़े होते हैं ना, कि दवा छिड़क दिया और कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं इस दुनिया में, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार, बहुत भारी दिल के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, उसी प्रकार ढेर सारे बच्चों की मृत्यु हर दिन हो रही थी, सरकार के अस्पतालों में हो रही थी, डॉक्टरों के समक्ष हो रही थी। तो मेरे मन में काफी पीड़ा थी इस बात, मुझे लगा कि भाई ये परेशानियां क्यों हैं, इसको दूर कोई कैसे कर सकता है। फिर लगा कि सब फिर समझ सोचा तो समझ में आया कि हमारे जो यंग लोग हैं ना, जो युवा हैं बिहार में रहने वाले या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, उनका तो पलायन हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लोग देश भर के कोने कोने में चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं नौकरी के लिए, दो जून की रोटी के लिए। तो इतनी समस्याएं हैं, अब जब तक यंग लोग नहीं रहेंगे, जब तक अपने राज्य के विकास में योगदान नहीं देंगे, अपने गांव के, अपने समाज के, अपने शहर के, अपने जिले के, अपने जनपद के विकास में योगदान नहीं देंगे, तो फिर ऐसी समस्याएं आएंगी। उसी समय मैंने यह निश्चय किया था
कि मैं अपनी पढ़ाई खत्म करके संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थानों में नौकरी करने की बजाय अपने राज्य गृह राज्य बिहार में रहूंगा और जो भी मेरे पास ज्ञान विवेक बुद्धि शक्ति है उसका इस्तेमाल आम लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए लगाऊंगा। उसी समय बिहार आया था और आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि पटना लगभग डूब सा गया था, लोगों ने कहा था कि अब बाढ़, पटना में बाढ़ आ गया। वह बाढ़ नहीं था, वह मानव की असफलता का एक जीता जाता उदाहरण था। वह सरकारी विभाग जो है, सरकारी ढांचा जो है, उसकी नाकामी का एक जीता जाता उदाहरण, मैन मेड फ्लड उसको आप कह सकते हैं। पटना के काफी वीआईपी इलाके में जहां काफी संपन्न लोग रहते हैं उनके घर डूब गए, लोगों को नाव से एनडीआरएफ की टीम निकाल रही थी घर घर जाकर। तो मैं पटना में था, मुझे लगा मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने टी शर्ट और ट्राउजर पहन के मैं निकल पड़ा उन इलाकों में और जो भी मेरे पास संसाधन थे, सामग्रियां थी, मैंने घर घर एनडीआरएफ की टीम के साथ जाकर लोगों तक पानी खाने का सामान वगैरह पहुंचाने की कोशिश की और काफी लोगों को सुरक्षित घरों से एनडीआरएफ के साथ निकालने में छोटा सा सहयोग किया। उसी बीच कुछ लोगों को बातचीत के क्रम में पता चला कि मैं मुझे देशभर में कुछ लोग जानते हैं, पढ़ते हैं मेरे बारे में, मेरे केसेस के बारे में जानते हैं। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, जो व्यक्ति कुछ महीने पहले अमेरिका में थे आज पानी में डूब कर या पानी में घुस कर लोगों को निकाल रहा है, तो उसी बारे में एक खबर छपी थी, शायद आपने उसी को पढ़ा है। यही कहानी थी, मैंने कोशिश की लेकिन मेरी कोशिश तो बहुत छोटी थी। एनडीआरएफ की टीम दिन रात पटना के लोगों के बचाव के लिए लगी थी और हम जैसे साधारण लोग जिनका कोई नाता नहीं है किसी एनडीआरएफ या सरकारी विभाग से, वैसे ढेर सारे लोग मदद में जुटे थे, ढेर सारे आम लोग। जी बिल्कुल, कहानी यही थी, यही मैंने आपके उस खबर में पढ़ा था कि आपने बिल्कुल सभी तरह से मदद करने की कोशिश की है एनडीआरएफ टीम के साथ। हर साल हम ये देखते हैं बाढ़ आती है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत दर्दनाक दृश्य होते हैं। आपने एक ऐसी चीज, आपको क्या मोटिवेट करी इस पूरे इंसिडेंट से, आपको जो आप शेयर करना चाहें, आपको लगा कि ये नहीं होना चाहिए? मैं ईमानदारी से कहूँ तो चारों तरफ मैं घूमता हूँ, अपने सर को घुमाता हूँ अपने आसपास चारों तरफ, तो हर चीज मुझे लगता है कि वहां कुछ बेहतर हो सकता था। जैसे आप सड़क पे जाएं, मैं अपनी सड़क की बात कर रहा हूँ जहां मैं अभी बैठा हूँ, उसके बाहर सड़क पे सुबह से देख रहा हूँ मैं कि एक गाय का बछड़ा सड़क पे एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई और वो सड़क पे पड़ा है। मेरे घर के आसपास कुछ गार्ड्स थे सोसाइटी के, उन्होंने बोला कि भाई साहब ये 3 दिन से ऐसे ही पड़ा है। तो मुझे लगा 3 दिन से अगर उस जानवर, पता नहीं वो उसको बचाया जा सकता था कि नहीं, लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात भी उसको हटाने वाला कोई नहीं है। किसी को तो सरकार तनख्वाह देती है वह काम करने के लिए, कोई तो व्यक्ति है जो वह काम नहीं कर रहा ईमानदारी से। अगर हमारे स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहे हैं, कोई तो व्यक्ति है जिसके कारण वो नहीं जल रहा है, कुछ तो कारण है। किसी को तो जिम्मेदारी दी गई है इसको रिपेयर कराने की। अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, पुलिस एक्शन नहीं ले रही, कोई तो दोषी है उस चीज का। किसी को तो एक्शन लेना था जो एक्शन नहीं ले पा रहा है, या किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, वकीलों को या जजेस को, कोई ना कोई, किसी को ना किसी को तो यह बात माननी पड़ेगी कि वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा। देखिए, हम राम राज्य को स्थापित नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन जितनी दिक्कतें आज के समय में हम झेलते हैं, उन दिक्कतों को झेलना हम डिजर्व नहीं करते। इतने लोग कोविड के समय बेमौत मारे गए, अस्पतालों का क्या हाल था आप जानती हैं, देश भर में, भारत विश्व भर में, लेकिन जब विश्व भर की बात कर रहे हैं तो हम उससे अपनी नाकामी को नहीं छुपा सकते। अगर हमारे यहाँ, हमारे राज्य में, हमारे जिले में, हमारे घर के आसपास देखेंगे आप, कुल अस्पताल तो लोग जा भी नहीं पाए, अपने घरों में मरने के लिए मजबूर है। लोगों के पास दवाइयां नहीं थी, कोई बताने वाला नहीं था कौन सी दवाइयां खानी है, कुछ नहीं पता था। लोग ये सोच के डेली सुबह उठते थे और पता चलता था कि बगल के घर में किसी की मौत हो गई है। तो इतनी सारी परेशानियां हैं, अगर इन चारों तरफ समस्याओं का अंबार है। मैं नहीं कह रहा सिर्फ परेशानियां हमारे राज्य, हमारे देश में, परेशानियां विश्व भर में, लेकिन जिस किस्म की परेशानियां हम झेलते हैं वह 21वीं सदी में वैसी परेशानियां झेलना डिजर्व नहीं। तो मोटिवेट करने की बात जो आपने पूछी, ऐसा क्या हुआ जो आप साझा करना चाहें, मोटिवेट करना चाहें, मोटिवेट किस बात से आप होते हैं? तो मैं मोटिवेट अपने परिवार, अपने समाज,
अपने देश राज्य की समस्याओं को जब देखता हूँ लोगों को जूझते हुए, उन समस्याओं को देखकर काफी ऊर्जा मिलती है। मुझे लगता है कि इन समस्याओं को ये दूर नहीं कर पाऊंगा, तो उससे ऊर्जा मिलना तो गलत शब्द कह दिया मैंने, लेकिन उससे काफी प्रेरणा मिलती है कुछ करने की। और जब मैं वो कर लेता हूँ, किसी एक व्यक्ति की मदद भी कर देता हूँ या करने की कोशिश भी कर देता हूँ, तो जो संतुष्टि का भाव उस व्यक्ति के चेहरे पे होता है, जो आशीर्वाद मुझे मिलता है, जो उसके हृदय में जो भावना होती है मेरे लिए, वह संतोष, वह मुझे बड़ा खुशी संतोष और प्रसन्नता उससे होती है। दिल गदगद हो जाता है और लगता है कि यह ताकत लगातार मिलती रहे तो काफी कुछ कर सकता हूँ। काफी लोग अच्छा कर रहे हैं, काफी लोग इन परेशानियों को कम करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, और मेरा जो क्षेत्र है वह तो वकालत का है। मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता, एक जीवन, उस जीवन में मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों की जो समस्याएं हैं उनको अदालतों में उसके लिए लड़ सकूं, बिना किसी पैसे के या बिना किसी लालच के, बिना किसी भेदभाव के। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोग सक्षम नहीं है लॉयर्स को इंगेज करने में, या जो लोग सक्षम नहीं है इस विराट सिस्टम से लड़ने में, उनके लिए मैं थोड़ी अपनी ज्ञान का उपयोग करके थोड़ा सा संयमित होकर उनकी मदद कर सकूं। क्योंकि जो न्याय की प्रक्रिया है काफी लंबी है, साल, दो साल, पांच साल, स्वाभाविक है किसी भी इंसान को न्याय दिलाने के लिए लड़ना। तो इसीलिए संयम और धैर्य के साथ ये लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, और मैंने कोशिश की है कि मैं इन लड़ाइयों को एक अंजाम तक पहुंचा पाऊं, और आशा है कि मैं ऐसा कर पाऊं। जी, मेरा कहना यह है कि अपने प्रोफेशन के साथ सोशल सर्विसेज भी बहुत ज्यादा हो रही हैं, लोग काफी आगे रहते हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, एनिमल्स को लेकर भी काफी सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी काफी नेगेटिविटी है हमारे समाज में, जागरूकता की कमी है जी, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, बात आपकी सही है, क्योंकि हमारी जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, और जो तंत्र है हमारा सरकारी या गैर सरकारी, वह जनसंख्या के अनुपात में उसकी जो शक्ति है या उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो काफी लिमिटेड है उसके सामने। तो स्वाभाविक है कि हम विकासशील देश हैं, और इतनी जनसंख्या के बाद हम ढंग से अपने स्कीम्स को या अपनी बातों को पहुंचा नहीं सकते। स्वाभाविक है जागरूकता की कमी होगी, भारत में भी जागरूकता की कमी है, लोग अपने अधिकारों के लिए बहुत जागरूक नहीं है आज भी, जैसे कानून के मामलों में भी, अदालतों में भी लोग इसलिए परस्यू नहीं कर पाते, उनको लगता है कि वकीलों को इंगेज करना काफी महंगा है, खर्चीला है, लेकिन शायद उनको कोई बताए, आम लोगों को यह बताए कि आपको मुफ्त में अधिवक्ता मुहैया कराया जा सकता है अदालतों से, आपको मुफ्त में लीगल एड काउंसिल दिए जा सकते हैं। तो इस मामले में कार्य थोड़ी की जो गति है वो काफी धीमी रही। एक मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया, चूंकि हम कानून की काफी बातें कर चुके हैं इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया। उसी प्रकार जागरूकता के हर क्षेत्र में कमी है, मेडिसिन के क्षेत्र में भी जागरूकता की कमी है, लोग आज भी कई धारणाओं से ग्रसित हैं जो जानकारी के अभाव, तो दुखद है। नकारात्मक रवैये की बात की तो उसमें सोशल मीडिया एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे सोशल मीडिया के कारण जागरूकता काफी बढ़ी हुई है, लोग सही और गलत के बीच में अब धीरे धीरे फर्क करना भी सीख रहे हैं, सही जानकारियां लोगों को मिल रही है, न्यूज चैनल्स हों या सेलिब्रिटीज हों, सबसे लोग जुड़ पा रहे हैं, जो डेमोक्रेटाइज हो गई हैं चीजें। ऐसा होता था पहले, जो प्रिविलेज लोग होते थे, जो सक्षम लोग होते थे आर्थिक रूप से, जानकारियां उन तक ही थी। सोशल मीडिया के आने से क्या हुआ कि जानकारियां डेमोक्रेटाइज हो गई, जन जन तक जानकारियां मिलने लगी, लेकिन फिर भी उस सोशल मीडिया की भीड़ में कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नकारात्मक रवैये को अपनाने में लोगों को सहूलियत देती हैं, थोड़ी आसान लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाता है गलत चीज को फैलाना सोशल मीडिया के माध्यम से। वहीं उसी जगह पर सकारात्मक चीजों का भी प्रचार प्रसार हो रहा है, तो दोनों के बीच में जो भेद है, दोनों के बीच में जो अंतर है, उसको पाटने की जरूरत है, सही गलत पहचानने की शक्ति बढ़ाने की जरूरत है। आप जैसे कई जर्नलिस्ट, कई पत्रकार बंधु फेक न्यूज के विरुद्ध काफी जागरूकता फैला रहे हैं,
लोग इन्हीं गलत जानकारियों के कारण आपस में लड़ जाते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए स्वस्थ समाज में। तो जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, सरकारें भी, विभिन्न राज्य सरकारें या देश की जो सरकारें हमारी, उन सभी की यह कोशिश है कि जो गलत न्यूज हो उसको टैकल करें, उसको रिपोर्ट करें, या सरकार भी अपने फेक न्यूज से लड़ने वाली एजेंसी तैयार कर रही है। तो ऐसे कई पहल किए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि लोग भी गलत चीज को देखकर प्रतिशोध अपना व्यक्त करते हैं सोशल मीडिया पे अथवा समाज में भी। कई घटनाएं आए दिन हम देखते हैं जहां पर किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है तो समाज एकजुट हो जाता है हमारा। कोविड के समय ही देखिए आप कि लोगों ने परेशानी में रहने के बावजूद कितनी मदद की एक दूसरे की। ट्विटर पे लोगों ने SOS पे रिस्पॉन्ड किया, लोगों की मदद की, और जो नहीं जानते थे एक दूसरे को, कोई लेना देना नहीं था, कि कोई संबंध नहीं था, सरोकार नहीं था एक दूसरे से, ऐसे लोगों की मदद की और सकारात्मक समाज में सकारात्मक रवैया जो होता है उसको, उसका प्रचार प्रसार या उसको उसको बढ़ावा देने का लोगों ने काम किया। तो मुझे लगता है कि बहुत चिंता का विषय नहीं है, जहां बुराई होती है वहां अच्छाई भी होती है और अच्छाई हमेशा बुराई से ज्यादा होती है। इसीलिए अपने अपने क्षेत्रों में सभी लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपने अपना जो काम करते हैं उसके अलावा जो उस विषय के बारे में जागरूकता है समाज में वो फैलाते रहें विभिन्न माध्यमों से, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जमीन पे हो, चाहे अपने ऑफिस में हो, घर में हो, समाज में हो, मोहल्ले में हो, कहीं ना कहीं तो लोग रहते हैं ना, तो उस जगह पे भी जागरूकता बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं। और ये सतत प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होने वाला कार्य, इसके लिए काफी समय लगता है और दिनों दिन चीजें बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ अच्छाई है तो दूसरी तरफ बुराई भी है, और कुछ जरूरत है हमें खुद में भी बदलाव करने की, जागरूक होने के लिए कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, उन्हीं से काफी सारे चेंजेस आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं की लर्निंग्स की। यदि कोई स्टूडेंट लॉयर बनना चाहता है तो स्टार्टिंग के इनिशियल ईयर्स में उसको क्या ऐसी चीजें फॉलो करनी चाहिए एक लॉयर बनने के लिए? आप वकालत की पढ़ाई से पहले की बात कर रही हैं, वकालत की पढ़ाई के बाद? किसी स्टूडेंट ने 12th पास करके वो लॉयर बनना चाहता है और वो LLB कर रहा है, और उन 5 इयर्स में वो अपने आप में क्या ऐसी चीजें फॉलो उसे करने चाहिए ताकि वो अपने इन फ्यूचर लाइफ में उनको हमेशा याद रखे, मतलब क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक लॉयर में, बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है। इसके दो पहलू हैं, कई जो दर्शक इस वीडियो को देख पाएंगे या सुन पाएंगे या सुन रहे होंगे उनके लिए मैं पहले कह रहा हूँ, उनके मन में काफी सवाल होंगे, तो लोग सोच रहे हैं कानून के विश्वविद्यालय में कैसे जाएं, पहले तो यह सवाल होता है उनके, तो 10-15 सेकेंड में मैं इस बात को एड्रेस करूंगा, उसके बाद आपके सवाल। देखिए, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट नाम का एक एग्जाम होता है जिसमें देश में ढेर सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, उनके दाखिले के लिए चयन होता है। उस एग्जाम में अगर आप सफल होते हैं तो आप चयनित होते हैं और कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के तहत आपको कॉलेज मिलता है। दूसरी बात, अगर आप कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में सफल नहीं हुए तो ढेर सारे अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, कई राज्य सरकार के कॉलेजेस हैं, कई डिग्री कॉलेजेस हैं जहाँ लॉ की पढ़ाई होती है, तो उसमें भी आप उसके एग्जाम्स को देकर और वहाँ भी जा सकते हैं। फिर भी अगर आप नहीं जा पाए तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी आपके पास मौका है, DU, BHU जैसे कॉलेजेस में 3 ईयर लॉ परस्यू कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, 12वीं के बाद 5 साल का, और ग्रेजुएशन के बाद 3 साल की पढ़ाई होती है। जिस दिन आपने वकालत खत्म कर लिया उस दिन आपको डिग्री मिल जाती है, उसके बाद आप बार काउंसिल में अपना पंजीकरण करा सकते हैं, एनरोलमेंट जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, पंजीकरण के बाद आप अधिवक्ता बन जाते हैं, एडवोकेट बन जाते हैं, और आपके पास प्रैक्टिस करने का अधिकार होता है, एग्जाम बार एग्जाम भी देना होता है, उसके बार एग्जाम दे देते हैं आप, उसके बाद आप देश भर की अदालतों में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जो कानून के विश्वविद्यालय में चले गए उनको अपना करियर कैसे शेप करना चाहिए, शायद यह आपका सवाल। कानून के विश्वविद्यालय में जाने के बाद इंसान की कोशिश होनी चाहिए कि इंटर्नशिप का जो समय मिलता है, पढ़ाई के दौरान जो कार्य करने का समय मिलता है उसको अच्छे से इस्तेमाल करें। आप लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के साथ काम करें कुछ समय, हो सके अगले साल किसी NGO के साथ काम करें, किसी नॉन प्रॉफिट, लीडिंग नॉन प्रॉफिट जो अच्छा कार्य कर रहे हैं आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में, उनके साथ काम कर सकते हैं आप, कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं, PSUs के साथ काम कर सकते हैं, जितना एक्सपीरियंस लेना है आपको आप सारा एक्सपीरियंस लें,
उसे क्या होगा कि आपको पता चल पाएगा कि आपके पसंद और नापसंद क्या है, आप किस कार्य को करना आपको अच्छा लगता है और किस कार्य को आपको करना नहीं अच्छा लगता। एक बार अपनी रुचि का आपको पता चल जाए तो आप 5 सालों के बाद आप बेहतर प्लेस्ड होंगे, आप बेहतर तैयार होंगे अपने जीवन के चैलेंजेस को टैकल करने में। आपको पता होगा कि आपको कॉर्पोरेट जॉब करनी है या पोलिटिकेशन करना है, आपको सिविल सर्वेंट बनना है या जज बनना है, जुडिशियल ऑफिसर बनना है, ढेर सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, या आगे की पढ़ाई करनी, या आपको इंटर्नशिप के समय इस बात की अच्छी खासी समझ हो जाएगी, पर आप समझ भी होगी और काफी कुछ सीख जाएंगे आप, जो कि आप वकील बनने के बाद, अधिवक्ता बनने के बाद उसका इस्तेमाल करके आप अपने प्रोफेशन में, अपने कार्य दैनिक कार्यों में आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो गंभीर होने की आवश्यकता है, लेकिन इतने भी ज्यादा गंभीर नहीं हो जाएंगे। हम कॉलेज में, हमें पता चल रहा है कि भाई हमें सिर्फ लॉ फर्म में ही इंटर्नशिप करनी है, या हमें सिर्फ लिटिगेशन ही करना है जीवन में, क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर सके लॉ स्कूल में, उतने एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आप दूसरे या तीसरे साल में या जान चुके हैं कि आपको जीवन में आगे क्या करना है, उसके बाद आप यह भी कर सकते हैं कि उसी क्षेत्र में इंटर्नशिप करें। लेकिन जब आप श्योर हो जाएं कि आपकी रुचि क्या है, उसके बाद आप कोशिश करें कि अपने लिए एक जगह बनाएं उस दुनिया में। अगर आपको कॉर्पोरेट जॉब करनी है तो आप कोशिश करें कि आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाए, पीपीओ मिल जाए किसी भी फर्म से, या आपको लिटिगेशन करना है तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार का लिटिगेशन आपको आनंदित करता है, किस प्रकार का लिटिगेशन आपके लिए है करियर में, तो आप वह भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि आजकल स्पेशलाइजेशन का जमाना है, एक्सपर्टीज का जमाना है, जिसके पास नीश जानकारी है, जिसके पास अपने एरिया की अच्छी जानकारी है, अपने क्षेत्र की अच्छी जानकारी, क्षेत्र एज इन किस एरिया में आप वकालत के किस एरिया में काम करते हैं, उस व्यक्ति की हमेशा पूछे। हैविंग सेड दिस, ऐसा भी नहीं है कि अगर आप लिटिगेशन करना चाहें तो आप सिर्फ एक प्रकार के काम आपको करने पड़ेंगे, या दूसरे प्रकार की जो जानकारी होती है, मान लीजिए आप व्हाइट कॉलर क्राइम में आपको काफी इंटरेस्ट है ऐसे केसेस परस्यू करने में, लेकिन आपको बाकी बेसिक जानकारी नहीं है वकालत की, क्रिमिनल लिटिगेशन की ज्यादा जानकारी नहीं है, सिविल लिटिगेशन की भी बेसिक जानकारी नहीं है, तो आपको काफी कठिनाई होगी सिर्फ व्हाइट कॉलर क्राइम के काम को भी करने में। इसीलिए आपका जो वेरिड एक्सपीरियंस होगा वह आपके रेस्क्यू में आएगा जब आप कोई एक नीश एरिया चुनते हैं। तो मेरा यही सुझाव है कि आप सब कुछ करें और खुशी खुशी करें, किसी एक चीज के पीछे भेदचाल में ना चले जाएं, अपने आप पे विश्वास रखें, अपनी सोच की का सम्मान करें, और जो प्रोफेसर या क्लास में जो मेंटर्स हैं आपके कॉलेज में या कॉलेज के बाहर, उनकी बातों को सुने लेकिन करें। बिल्कुल, आपने ओवरऑल सारा रिव्यू दे दिया, ओवरऑल 5 साल का आपने रिव्यू दे दिया कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, आगे चल के कौन सी इंटर्नशिप अटेंड करनी है, किस किस तरीके से फॉलो करना है, ओवरऑल आपने सारी चीजें बता दी। अब बात कर लेते हैं पैंडेमिक की। पैंडेमिक में देश दुनिया भर में सारी चीजें अफेक्ट हुई, हर फील्ड अफेक्ट हुआ, अगर लॉ फील्ड की बात की जाए तो वो किस तरीके से अफेक्ट हुआ है? पहले मामले आप फाइल करते थे कोर्ट में, उसके बाद 5-10 दिनों में सुनवाई होती थी। पेंडेमिक के दौरान ऐसे कई इंस्टेंसेज आए जब 5-6 महीने 8 महीने तक सुनवाई नहीं हुई मामलों की, लोगों के साथ अन्याय होता रहा लेकिन कोर्ट्स में सुनवाई नहीं हो पा रही थी, अदालतों में मामले बढ़ते गए, पेंडेंसी बढ़ती गई, लॉयर्स की जो जीविका थी, जो साधारण लॉयर्स हैं जो डेली कमाते हैं और उनसे उनका घर चलता है, उनसे उनका जीवन यापन होता है, वह कमाई बंद हो गई लॉयर्स की। और हम आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या जो हमारे अदालतें हैं हमारे ग्रामीण इलाकों में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी नहीं है लिटिगेंट्स की, तो अधिवक्ताओं के साथ काफ़ी बुरा हुआ। कई अधिवक्ता लगातार बात करते रहे, बताते रहे कि कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई अधिवक्ताओं ने बताया कि उनको वकालत छोड़ के कुछ और भी करना पड़ रहा है। कई जो मुंशी थे अदालतों में जो अधिवक्ताओं के साथ कार्य करते हैं, उन्होंने तो बकायदा अपना, चूंकि उनके पास काम आ नहीं रहा था, तो उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करना शुरू कर दिया क्योंकि उनको अपना जीवन यापन करना है। पेंडेंसी बढ़ने के कारण लोगों का न्याय व्यवस्था पे विश्वास भी घट गया। 6-6, 8-8, 10-10 महीने तक अदालतों में उनके मामले नहीं लिए गए, नहीं सुने गए, लोग जेलों में भरे रहे, जो
कई ऐसे लोग मैं जानता हूं जो बिना किसी गलती के जेलों में हैं, आज भी हैं, उनको जेल से बाहर नहीं निकाला जा सका, उनके साथ न्याय नहीं हो पाया, तो काफी बुरा इम्पैक्ट हुआ पेंडेमिक का अदालतों की कार्रवाई पे। आपको पता है अधिकांश जो जजेस हैं, न्यायाधीश हैं, लॉयर्स हैं, अधिकांश जो है वह बुजुर्ग लोग हैं, तो पेंडेमिक उन पर ज्यादा असर करता है और असर किया भी। कई कई न्यायाधीश, कई लॉयर्स अपना जान उन्होंने गवा दी है लिटिगेशन में, तो काफी दुखद रहा यह सब। और उसके बाद लिटिगेंट्स की परेशानी, लॉयर्स की परेशानी, उसके बाद लॉयर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लिटिगेंट्स के प्रति, लॉयर्स को लगा, मुझ जैसे लॉयर्स को लगा कि हम उसको निभा नहीं पा रहे ढंग से, क्योंकि हम उनके लिए न्याय के लिए, उनके न्याय के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे, हेल्पलेस हो गए, क्योंकि अदालतों में मामले बहुत कम लिए जा रहे थे, ना के बराबर लिए जा रहे थे। कोर्ट्स ने अर्जेंट क्लॉज लगा दिया है कि अगर बहुत अर्जेंट हो आपका मामला तभी सुना जाएगा, तो अर्जेंसी का जो डेफिनेशन है वो भी काफी वेग है। एक गरीब आदमी है जो ठेले पे अपना सामान बेचता है और जीवन यापन करता है, अगर उसका 50,000 रुपया वो लेके भाग गया, उसके साथ कोई बेमानी हो गई, तो उसके लिए जीवन और मरण की बात है। 50,000 शायद अदालतों को लगे 50,000 का मामला है, लेकिन उसके लिए जीवन की बात, उसका जीवन उस पर टिका है। तो हम अर्जेंसी जो डिफाइन करते हैं वो उसका डेफिनेशन बहुत स्पष्ट और सही नहीं लगता है मुझे अदालत। लेकिन हालांकि देखिए सब परेशानी में थे, कोर्ट में जो स्टाफ थे वो भी कोरोना से ग्रसित थे, परेशान थे, कईयों की मृत्यु हो गई, तो हम सारा दोष उन पर भी नहीं दे सकते। अब परेशानियां थी और इस क्षेत्र में भी काफी परेशानियां होंगी, आज भी परेशानियां हैं। जो संपन्न लोग हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो ग्रामीण कस्बों में, ग्रामीण इलाकों में प्रैक्टिस करते हैं अधिवक्ता, उनको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और स्थिति दयनीय है। बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं ना कहीं हर फील्ड में कुछ ना कुछ घटित हुआ ही है। इस फील्ड में भी आपने साझा किया अपना एक्सपीरियंस, कि मतलब शेयर किया, बताया कि किस तरीके से लॉ फील्ड जो है वो भी ग्रसित हुआ है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, फर्स्ट एडवाइस फॉर फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स, क्या लॉयर्स फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए आपकी क्या एक खास एक एडवाइस होगी, या फिर पीसीएस जुडिशियरी के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या ऐसी एडवाइस होगी कि जिससे वो सक्सेसफुल हो? दोनों सवालों का जवाब दूंगा। पहली बात कि देखिए, हम जब फर्स्ट जनरेशन लॉयर बनने वाले होते हैं या लॉ स्कूल में होते हैं, उसी समय ऐसी भ्रामक बातें फैलाई जाती है कि 10-15 साल तो कम से कम आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे अधिवक्ता कहलाएंगे, तभी आपके पास क्लाइंट्स होंगे, तभी आप अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे, तभी आपको कोर्ट्स गंभीरता से लेगी अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो। मतलब लोगों को ऐसा डराया जाता है जैसे कि वकालत जो पेशा है वह यंग लोगों के लिए या फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए है ही, जो कि मिथ्या है, काफी गलत है। मैं आपको बताऊं, जब मैं 22-23 साल का रहा होगा, जब मैंने वकालत की पढ़ाई अपनी खत्म की, उसके बाद आपने जैसे बताया कि कुछ सरकारी कमिटीज का सदस्य रहा या सरकार का अधिवक्ता भी रहा, एनडीएमसी दिल्ली की नगर पालिका है उनका अधिवक्ता रहा, ढेर सारे विभागों का अधिवक्ता रहा, तो प्राइवेट क्लाइंट्स भी काफी, मतलब बिना किसी पारिवारिक सपोर्ट के, बिना किसी, मेरे पिताजी मेरे दादा परदादा जी के अधिवक्ता हुए, बिना उनके प्रैक्टिस किए हुए मुझे काफी डिसेंट तरीके से मैं अपना काम कर पा रहा। तो इस मिथक को मैंने जिया है, इसको देखा है, और उसके बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ये बातें बेतुकी। अगर कोई व्यक्ति ढंग से परिश्रम करता है, उसकी विजिबिलिटी अच्छी होती है, लोग उसको जानते हैं, अपने उसकी कार्यशैली अच्छी होती है, कानून पे उसकी अच्छी पकड़ होती है, तो बहुत कठिन नहीं है आप इस पेशे में सफल हैं। आप ध्यानपूर्वक अपना कार्य करते रहें, और सिर्फ कानून की जानकारी की वजह से आप अच्छे वकील नहीं बन सकते। आपको एक सफल वकील बनने के लिए, जिसके जो व्यस्त रहे, जिसके पास फ्लो केसेस अच्छा रहे, उसके लिए आपको समाज में भी एक अपना स्थान बनाना पड़े, उसके लिए आपको लोग जानने चाहिए, आपको आपकी विजिबिलिटी होनी चाहिए, आप टैक्टिकल वे में आप सोशल मीडिया अथवा विभिन्न साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, आप रीच आउट कर सकते हैं, हेजिटेट नहीं करना है, रीच आउट करना है एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशंस हो या फिर और भी जहां अपॉर्चुनिटीज है, वहां लॉ स्कूल में जब आप हों तो आप रीच आउट करने में शर्माएं नहीं, झिझके नहीं,
उसे कोई छोटा नहीं होता। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है और उस अपॉर्चुनिटी पे आप खड़े उतरते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। मेहनत करते रहें, किसी की बात का बिना सोचे समझे बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाए आप विश्वास ना करें, हमेशा अपनी काबिलियत पे भरोसा रखें और कोशिश करें कि आप विजिबल हो समाज में, आपको लोग जाने। और सिर्फ वकालत ही नहीं, मतलब जो कोर्ट में लिटिगेशन होता है उसमें नहीं, उसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि आप डिसेंट सैलरी कमाएं, अच्छा काम करें, अपने नॉलेज लॉ का इस्तेमाल करें, आप किसी लॉ फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, आप किसी पीएससी को ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लॉ की नॉलेज अच्छी है, जैसा आपने बताया पीसीएसजे जो जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम होता है हर राज्य में, जो न्यायाधीश या न्याय अधिकारी बनते हैं यंग लोग, उसकी तैयारी कर सकते हैं। आप चाहें तो पांचवें साल में, जैसे ही आपकी वकालत खत्म होती है पांचवें साल में आप रहते हैं उसी समय आप एग्जाम दे सकते हैं और 22-23 साल की उम्र में आप एक जज बन सकते हैं, आप एक मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। काफी कठिन नहीं है, 5 साल आप ध्यानपूर्वक शिक्षा अर्जित करें, हर अलग अलग विषयों पे आपका कमांड हो, आपको सिलेबस पता हो एग्जाम्स का, उसके अनुरूप आप पढ़ाई करते रहें ध्यानपूर्वक, आप आसानी से 22-23-24 साल की उम्र में एक न्याय अधिकारी या न्यायाधीश बन सकते हैं। बहुत कठिन नहीं है। मेरे कई दोस्त अब तो इनफैक्ट मेरे काफी छोटे मुझसे 5-4 साल छोटे लोग, मेरे छात्र काफी लोग जज बन चुके हैं, जो जुडिशियल ऑफिसर बन चुके हैं, तो मैंने उनकी जर्नीज को देखा है। डेडिकेशन के अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है वहां तक पहुंचने का। अपने आप पे विश्वास करना है और जो कठिन समय होता है, क्योंकि अब घर में रह के पढ़ाई करते हैं तो कभी कभी मन उग जाता है, लगता है कि क्या पता मुझसे हो पाएगा कि नहीं, क्या मैं एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगा या पाऊंगी नहीं, तो उस समय अपने घर परिवार के लोगों से बातचीत करें, वातावरण घर का अच्छा रखें, मूवीज देखें, हंसें, दोस्तों के साथ घूमें। सिर्फ आपको 24 घंटे किताब के साथ ही रहना है, कुछ समय आप अपने लिए भी निकालें और साथ साथ संयमित रूप से पढ़ाई करें। और बहुत कठिन नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है कि आप इन एग्जाम्स को क्लियर कर लें, क्योंकि हर राज्य अपने एग्जाम्स आयोजित करता है, कई राज्य तो साल में 2-2 एग्जाम्स भी आयोजित करता है, तो चांसेस हैं कि आप एक बार सफल हो, दूसरी बार, तीसरी बार सफल हो ही जाएंगे। और मुझे यकीन है कि अगर 5 साल आपने ढंग से पढ़ाई की तो 5वें साल ही आप सफल हो जाएंगे। कई ऐसे लोगों को आप भी जानती होंगी या जो लोग सुन रहे हैं वो भी जानते होंगे, जो कम उम्र में जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करके आज सर्व कर रहे हैं, आज सेवा दे रहे हैं राज्यों को, देशों को, तो भारत को और विभिन्न राज्यों में सेवा दे रहे हैं, अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं, न्याय कर पा रहे हैं हर दिन कई मामलों में। जी बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत ही सरल तरीके से सारे ही सवालों का जवाब संक्षिप्त में दे दिया है कि किस तरीके से फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को आगे बढ़ना चाहिए, क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, पीसीएस जुडिशरी के लिए क्या फॉलो करना चाहिए। हमारा आज का ये एपिसोड बहुत ही खास रहा है क्योंकि आपने बहुत ही ओरिजिनल फैक्ट के साथ सारी चीजें साझा की है लॉ फील्ड से। मिस्टर कुमार सत्ता टॉक से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.